नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बात करने वाले हैं, एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये थोड़ा क्वेश्चन होता है। बात मामूली सी है लेकिन क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर मिलना जरूरी होता है। और ये छोटी सी बात के लिए हम डॉक्टर को पूछे या किसी को पूछे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग खुल के डॉक्टर से बात कर पाए या फिर डॉक्टर भी उनसे खुल के इस बारे में डिस्कस करे। तो इस टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है। टॉपिक इस तरह से है कि लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि हमें भी एक क्वेश्चन था ऑपरेशन से पहले कि डोनर के साथ और पेशेंट के साथ जब ऑपरेशन हो जाता है तो उनके बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर बाहर से दिखने वाले कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं डोनर की पहले बात करता हूं कि डोनर को हमको क्वेश्चन होते हैं कि क्या डोनर की जहां से किडनी निकाल ली जाएगी, जो किडनी नहीं रहेगी, तो उस खाली जगह का क्या होगा, राइट? और बाहर से कोई खड्डा पड़ जाएगा या फिर कोई दिखेगा कि यहां पे कुछ नहीं है, या फिर क्या होगा, कैसा दिखेगा बाहर से और अंदर भी किस तरह से होगा। तो ये हमने क्वेश्चन डॉक्टर से पूछा था हमने, और हमारे डॉक्टर ने हमें आंसर दिया था। और मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी बताता हूं कि डोनर की जहां से किडनी निकाल ली जाती है उस खाली जगह को अंदर से कुछ करते नहीं है, वो खाली जगह ऐसी ही रहती है, और बाहर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसी आपकी स्किन है वैसी ही रेगुलर रहेगी और वहां पे कोई खड्डा जैसा दिखता नहीं है, जो नॉर्मल है वैसा ही 100% वैसा ही रहता है। तो बाहर से या अंदर से उस जगह का कोई यूज नहीं रहता और कोई उसमें कोई इफेक्ट भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पेशेंट की बात करते हैं कि पेशेंट का किस तरह से होता है। उनकी पेशेंट की दोनों किडनी फेल हो चुकी है तो वो दोनों किडनी अभी काम नहीं कर रही है, और जो नई किडनी डालेंगे वो तीसरी किडनी वो कहां पे डालेंगे, और जो दो पुरानी जो किडनी है उसका क्या होगा। हमको ऐसा लगता था कि वो जो पुरानी किडनी होती है, जो दो जो बिगड़ चुकी है, जो काम नहीं कर रही है, उसको शायद डॉक्टर निकाल लेते होंगे बॉडी से बाहर और ये नई एक तीसरी किडनी को उसी जगह पर फिट करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने हमको बताया था कि जो दो किडनी पुरानी जो है आपकी, जो बिगड़ चुकी है, वो उसी जगह पर वैसे की वैसे ही रखते हैं ये लोग। वो जो दो किडनी है जो बिगड़ चुकी है वो धीरे धीरे से उसकी साइज छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, और सालों के बाद वो बहुत छोटी हो जाती है और उससे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से डॉक्टर्स सारे कनेक्शन काट लेते हैं और एक नई तीसरी जो हेल्दी किडनी होती है, नई ट्रांसप्लांटेड किडनी, उसको बॉडी के नीचे के पार्ट में वहां पर वो लोग फिट करते हैं पेशेंट को, और वो किडनी चलती है। तो जो ऊपर के कनेक्शन काट दिए हैं वो नीचे वहां पे वो कनेक्शन उस नई किडनी को दे दिए है। पुरानी किडनी जो है वो अंदर ही रहेगी बॉडी के अंदर, वो बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो धीरे धीरे छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको अंदर ही रखते हैं। हाँ, अगर इन्फेक्शन हुआ है या फिर वो पुरानी किडनी से आपके बॉडी को कोई फर्क हो रहा है, कोई हार्म हो रहा है, तो उसको उस कंडीशन में निकाल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर किस्से में वो वहीं रहती है। डिफॉल्ट प्रोसेस इस तरह से है कि दोनों किडनी जो बिगड़ी है वो बॉडी के अंदर ही रहती है, उससे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होती है डोनर की और पेशेंट की, बाहर से और अंदर से क्या, कहां पर किडनी लगती है, कहां से किडनी निकलती है। जहां पर पेशेंट को किडनी लगती है उस जगह ऑलरेडी हमारे बॉडी में खाली ही होती है, तो वो खाली जगह पर वो नई किडनी डाल देते हैं, वो फिट हो जाती है। बाहर से वो एकदम स्किन रेगुलर ही होती है, बाहर से कोई बाहर कुछ ज्यादा कुछ बाहर नहीं निकल जाता, कुछ खड्डा नहीं हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी स्किन जो है वो स्किन लेवल जो है वो लेवल वैसे का वैसा ही रहता है, पेशेंट को भी और डोनर को भी। तो मेडिकल साइंस ने इतना आगे आके हमको इतना बहुत अच्छा ये प्रोसेस दिया है, ये ट्रांसप्लांट का सिस्टम दिया है, जिससे हमारे बॉडी को बाहर से या अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जानकारी हम आपको देना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम में। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर दूसरे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखेगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।